नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास का सार संग्रह एनसीईआरटी क्लास 6-12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका किताब ये महेश बर्नवाल का है, ठीक है। और ये आपका किताब पूरा इतिहास इसमें पूरा बताया गया है, ठीक है। मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास को। तो प्राचीन इतिहास में आज का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है प्रस्तर युग, ठीक है। तो प्रस्तर युग आवरी मानव, ठीक है। तो इसको आज हम जो है पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, प्रस्तर युग को, स्टोन एज को, ठीक है, आदि मानव। तो मानव की उत्पत्ति व विकास के बारे में बताया गया। तो मानव की उत्पत्ति व विकास कैसे हुई थी, तो विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स नर वानर का जन्म हुआ, जो मानव के समान थे तथा ये वृक्षों पर रहा करते थे। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे। तो विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स नर वानर का जन्म हुआ, जो मानव के समान थे और ये वृक्षों पर रहा करते थे। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे। प्राइमेट्स क्या होता था? प्राइमेट्स का अर्थ होता है मनुष्य सदृश वानर। तो प्राइमेट्स का अर्थ है मनुष्य सदृश वानर। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मनुष्यों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया गया है। प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। यह प्राणी आज से लगभग 80,00,000 वर्ष पूर्व यह पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। तो प्राइमेट से का अर्थ मनुष्य सदृश वानर है और इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मनुष्यों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है और यह प्राणी आज से लगभग 80,00,000 वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। आदि मानव का मूल स्थान, तो आदि मानव का मूल स्थान देखिए मैप के द्वारा आपको बताया गया है। तो मैप के जरिए हम देखेंगे यहाँ पर कि आदि मानव का मूल स्थान कहाँ कहाँ था। तो सबसे पहला आपका है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर वानर दक्षिण अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलोलिप जो है पिथेकस, जो कि नर वानर था दक्षिण अफ्रीका का, जो कि यहाँ पर निवास करता था। देखिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर आपका है, तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस निवास करता था नर वानर दक्षिण अफ्रीका का। फिर एक आपका है जिंजान थ्रोपस। तो जिंजान थ्रोपस जो कि नर वानर पूर्वी अफ्रीका का था, ठीक है। तो जिंजान थ्रोपस जो कि आपका नर वानर जो है पूर्वी अफ्रीका का था, और ये आपका यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका है, यहाँ पर आपका जिंजान थ्रोपस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जावा मानव, तो जावा मानव देखिए इंडोनेशिया, जावा यहाँ पर आपका जो मलेशिया का इलाका यहाँ पर है, यहाँ पर जावा मानव रहते हैं, जावा, ठीक है। पेकिंग मानव, तो पेकिंग मानव आपका चीन में, तो चीन आपका यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपका है नियथंड्रल मानव जर्मनी में, तो आपका नियथंड्रल मानव जर्मनी यहाँ पर रहते थे। ये आपके यहाँ जो उनका नियथंड्रल मानव का मूल स्थान जर्मनी में यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद है पिल्टडाउन मानव, तो पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड में, तो आपका पिल्टडाउन मानव जो है उनका मूल स्थान इंग्लैंड यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद सातवां आपका है क्रोमैग्नन मानव, तो क्रोमैग्नन मानव फ्रांस के थे, ठीक है। तो क्रोमैग्नन मानव जो है उनका मूल स्थान यूरोप फ्रांस में था, ठीक है, यहाँ पर सातवां नंबर। उसके बाद आठवां नंबर आपका है होमो सेपियंस मानव, तो होमो सेपियंस मानव जो है पामीर आज का तिब्बत मतलब चीन के जो है कब्जे में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है तो होमो सेपियंस मानव का मूल स्थान आपका जो है पामीर में था, तिब्बत में, ठीक है। तो आदि मानव का मूल स्थान हम देखा मैप के जरिए। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर वानर दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका में था, जो कि एक नर वानर थे, ठीक है। जिंजान थ्रोपस जो कि आपके नर वानर है, और इनका मूल स्थान जो है पूर्वी अफ्रीका था, यहाँ पर दूसरा नंबर। तीसरा आपका है जावा मानव, जिनका मूल स्थान जावा इंडोनेशिया मलेशिया के पास में था। फोर्थ आपका है पेकिंग मानव, जिनका जो है मूल स्थान चीन में है। नियथंड्रल मानव, जिनका मूल स्थान जर्मनी में। पिल्टडाउन मानव, जिनका मूल स्थान इंग्लैंड में। और क्रोमैग्नन मानव, जिनका मूल स्थान फ्रांस में। और होमो सेपियंस मानव, जिनका मूल स्थान पामीर में, ठीक है। तो आपका जो पैलियोलिथिक एज है उसका तीन भाग में बांटा गया, एक आपका प्री स्टोन एज है, एक आपका मिडिल स्टोन एज है, एक आपका जो है हाई स्टोन एज है, ठीक है। तो प्री, मिडिल और हाई स्टोन एज, ठीक है, तीन तरह का आपका पैलियोलिथिक में जो है बताया गया है, ठीक है।
तो आपका जो स्टोनेज पस्तरियु, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका आ गया पूरा पाषाण पैलियोलिथिक, तो पूरा पाषाण पैलियोलिथिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश नाम हिंदी नाम आपका पूरा पाषाण है और अंग्रेजी नाम पैलियोलिथिक है, ठीक है। तो पैलियोलिथिक है जिसमें आपका आखेटक एवं खाद संग्रह था, तो मतलब कि यहाँ के लोग जो है आखेटक और खाद जो है संग्रह करते थे। तो आगे पढ़ते हैं, मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ, इसी समय गाय हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। तो मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ और इसी समय गाय हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तत्वों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तत्वों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था, यह काल अकेटक एवं खाद संग्रह काल के रूप में जाना जाता है। तो भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था, यह काल अकेटक एवं खाद संग्रह काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस काल में मानव का जीवन एवं शिकार खाद संग्रह पर निर्भर था। तो पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन जो था वो शिकार एवं खाद संग्रह पर निर्भर था। पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं, तो पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं क्या है, तो भारतीय पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय पूरा पाषाण युग को जो भारतीय पैलियोलिथिक एज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला आपका आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, तो आपका न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो उसके बाद मेसोलिथिक एज है, सॉरी एक है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये 3 तरह का आपका जो है काल है। तो भारतीय पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसका है नाम पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन, पूरा पाषाण का मतलब होता है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो है निम्न पूरा पाषाण को बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज और आपका फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो आपका 3 तरह का है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो भारतीय पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। 1 मिनट, नेक्स्ट आपका है पहली अवस्था को जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। तो आपका जो निम्न पूरा पाषाण काल है, ठीक है, आपका जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसको जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। दूसरी अवस्था को मतलब कि मध्य पूरा पाषाण को मिडिल पैलियोलिथिक एज को 50,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है और तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक एज को 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा जाता है। तो आपका पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य, दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य, अर्थात एवं तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, तो निम्न पूरा पाषाण काल आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के तक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल न्यूलिथ लोअर पैलियोलिथिक एज, तो इसका आपका जो टाइम है वो 5 लाख ईसा पूर्व 5 लाख BC से लेकर 50,000 ईसा BC तक है। और इस काल में, तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे और इस काल के उपकरणों के 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तो इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करते थे
और इस काल के उपकरणों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मैप को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। इस काल में तो निम्न प्रशासन काल में औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस था। तो इस काल में औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस था। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, तो आपका निम्न प्रशासन में चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, तो इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए और इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, तो इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। हैंडेक संस्कृति, तो इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास आधुनिक चेन्नई के समीप बादम दुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए और इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। तो आपका जो है निम्न प्रशासन काल में एक आपका था हैंडेक संस्कृति, तो इसका उपकरण सर्वप्रथम मद्रास आधुनिक चेन्नई के समीप बादम दुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए और इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका साउथ में पाया जाता है चेन्नई में, तो इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाउ जो कोजियान गुफा से प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाउ जो कोजियान गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। ठीक है, उस समय रेगुलर प्रयोग में आपका जो था अग्नि नहीं था, फायर आता उसमें। ठीक है, तो वहीं तक वो सीमित रह गया था। ठीक है, इसलिए ज्यादा दूर तक ये फैला नहीं था। सर्वप्रथम रॉबर्ट क्रूसफुट, तो सर्वप्रथम रॉबर्ट क्रूसफुट अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंडेक्स हाथ की कुलाही प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम है रॉबर्ट क्रूसफुट अंग्रेजी भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंडेक्स हाथ की कुलाही प्राप्त की थी। ठीक है, आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन या सोहन नदी की घाटी में भी पाए जाते हैं। तो आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी की घाटी में भी पाए जाते हैं। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। तो आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीम बेटका की गुफाओं और शैल या श्रेय चट्टानों से बने आश्रयों में औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास श्री भीम बेटका की गुफाओं और शैला श्रेय चट्टानों से बने आश्रयों में औजार मिले जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व है। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली है जो भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली जो भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। ठीक है, तो हमने ऊपर में एक मैप छोड़ा था, उसको मैप का देख लेते हैं। तो मैप में आपको क्या बता रहा है, तो ये आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते थे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फिर आपका नदी जो दिया हुआ है सुरु नदी, ठीक है, ब्यास नदी है, ये आपका झेलम है, चेनाब है, रावी नदी है, लोहड़ी। ठीक है, तो आपका लोहड़ी जो जगह है क्या है, तो लोहड़ी आपका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है और ये आपका डिडवाना भी है, यहाँ पर राजस्थान के पास बुद्ध पुष्कर पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ये आपका गंगा यमुना, यहीं पर आपका जो गंगा यमुना का आगे बेलन घाटी है, यहाँ आपका इलाहाबाद था और इसी के ऊपर में आपका मिर्जापुर। अब मिर्जापुर में क्या है, तो मिर्जापुर से आपका जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर आपका सोन नदी है और इधर आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, आदमगढ़ है, हथनौरा यहाँ पर है। तो भीमबेटका, आदमगढ़, हथनौरा सब एक जगह पर है। ये आपका नर्मदा नदी इधर है, ठीक है, इधर आपका छोटा नागपुर पठार झारखंड साइड में, ये मिदनापुर बंगाल में, सिंहभूम बंगाल में, ये आपका महानदी है, ठीक है, उड़ीसा साइड में। ये आपका तापी नदी, ये नेवासा चिरकी स्थान, तो नेवासा और चिरकी के बारे में क्या बताया गया, तो महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुलाड़ी खुरचनी व बेधक पाए जाते हैं। तो आपका जो है महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुलाड़ी खुरचनी व बेधक पाए जाते हैं। ये आपका हुसंगी जगह हो गया, नागार्जुन कुंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ये आपका तुंगभद्रा नदी,
ये कुमोल हो गया, ये रेनी कुंटा हो गया। पलवरम में क्या है तो 1863 में सर्वप्रथम पलवरम में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो पलवरम में जो है 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। अतिरपक्कम ठीक है, उसके बाद गुडियाम। तो भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लेस्टोसीन काल हिमयुग में हुआ। इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी थी। तो भारत में जो पुरापाषाण युगीन जो है आपका पैलोलिथिक एज सभ्यता, पैलोलिथिक जो है आपका एज संस्कृति आपका कल्चर जो है इसका विकास प्लेस्टोसीन काल हिमयुग में हुआ और इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी थी। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा पुरापाषाणकालीन स्तर। तो आपका डिडवाना, लोहड़ी, बुद्ध पुष्कर राजस्थान साइड में, भीमबेटका, आदमगढ़, हथनौड़ा मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर, इलाहाबाद, छोटा नागपुर, पठार, मुजानपुर, सिंहपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, निवासा महाराज, चिरकी महाराज, हुसंगी जो आपका महाराज, नागार्जुनकोंड, कुमोल आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रेणीगुंटा, पलम्बरम, अतिरपक्कम और गुड़ियम। ठीक है, तो ये आपका जगह था। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आपका आगे में यहाँ पर दिया हुआ है पुरापाषाण युग के, तो पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे किया गया तो पढ़ते हैं। तो पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण, तो सबसे पहला आपका है निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद आपका आता है मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद आपका उच्च पुरापाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज, आपका फिर जो है अपर पैलोलिथिक एज। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल को बोलते हैं शल्क संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल को बोलते हैं फलक संस्कृति और उच्च पुरापाषाण काल को बोलते हैं शल्क फलक संस्कृति। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण को बोलते हैं शल्क संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति और उच्च पुरापाषाण काल को बोलते हैं शल्क फलक संस्कृति। ठीक है, तो सोनी घाटी, तो सोहन घाटी पाकिस्तान में है। तो आपका जो शल्क संस्कृति जो है सोहन घाटी पाकिस्तान में पाया जाता है और बिलन घाटी मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है, तो एक आपका इंडिया में, एक पाकिस्तान में। तो शल्क संस्कृति आपका सोहन घाटी पाकिस्तान में और बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। फलक संस्कृति जो है आपका जो है यहाँ पर सोन घाटी में पाया जाता है, बेलन घाटी में, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी, जैसा हमने मैप देखा था। ठीक है, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी दिखाते हैं आपको मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका सिंधु नदी घाटी हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर बेलन घाटी हो गया, ये आपका जो है नर्मदा नदी घाटी हो गया। ठीक है, तुंगभद्रा नदी घाटी हो गया और सोन नदी घाटी इधर हो गया आपका। ठीक है, इधर साइड में। ठीक है, सोन नदी घाटी देखिए यहाँ पर है, सॉरी सोन नदी घाटी इधर हो गया आपका। इस प्रकार आपने देखा तो सोन नदी घाटी आपका बिहार और झारखंड और यूपी के पास में है। बेलन घाटी भी आपका मिर्जापुर यूपी, नर्मदा घाटी आपका जो नीचे महाराष्ट्र के पास में, तुंगभद्रा घाटी आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उच्च पुरापाषाण काल जो है शल्क फलक संस्कृति कहते हैं, तो उच्च पुरापाषाण काल जो है शल्क फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल जो है आपका शल्क फलक संस्कृति को जो है कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आपका बेलन घाटी के पास प्राप्त हुआ है, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपने देखा बेलन घाटी कहाँ पर था, छोटा नागपुर पठार झारखंड के नीचे के पास, मध्य भारत आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का इलाका, गुजरात आपका है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो शल्क फलक संस्कृति बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मध्य पुरापाषाण काल, तो मिडिल पैलोलिथिक एज। ठीक है, तो इसका जो समय है वो आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है। तो मध्य पुरापाषाण काल का समय जो है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है। तो मध्य पुरापाषाण काल में पर्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, छट, जैस्पर, छट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। तो मध्य पुरापाषाण काल में पर्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, छट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक जो है फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो आपका जो है फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक जो है फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता है। तो मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का प्रयोग होता है और इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक वेदनी, छेदनी एवं और पृचनी थे। तो मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता है होता था
और इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक वेदनी छेदनी और पूजनी थे। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता है और इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक वेदनी छेदनी और खुचनी थे। ठीक है, इस काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा था। तो मध्य पुरापाषाण काल में कुत्ते को जो है पालतू बनाया गया था तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा था। उच्च पुरापाषाण काल अपर पलिलोथिक है। ठीक है, तो इसका जो आपका कालखंड है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, तो 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी के बीच में है आपका उच्च पुरापाषाण काल का टाइम। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। तो इस युग के उपकरण जो थे आपके जो सामान थे जो वो ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। उच्च पुरापाषाण अवस्था की विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं। तो उच्च पुरापाषाण अवस्था की विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ। तो उच्च पुरापाषाण अवस्था की विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय आपका उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा होमो सैपियंस का उदय किस काल में हुआ है, तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। अगर उच्च पुरापाषाण काल आपका ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आपको जो है पुरापाषाण काल होगा। ठीक है, मध्यपाषाण युग के स्तर, तो आप हमने पढ़ा ऊपर में पुरापाषाण काल के स्तर, तो अब हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण, तो मतलब कि मेसोलिथिक ये जो आगे आपका। ठीक है, तो आपका जो है पैलियोलिथिक के बाद आपका आ गया मेसोलिथिक है। ठीक है, एक मिनट, तो ये आपका मेसोलिथिक एज है। ठीक है, तो मध्यपाषाण युग के स्थल कौन कौन से है, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो ये चार राज्य में जो आपका मध्यपाषाण युग के जो है स्थल मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपका जो जगह है वो आपका आजमगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया और बेगहोर हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा इलाका आपका मध्यपाषाण काल का है, तो आपका जो है आजमगढ़ जिसमें आपका होशंगाबाद हो गया, भीमबेटका जो कि भोपाल के समीप है और बोगोर जो है सिद्धि के समीप है। तो आजमगढ़ होशंगाबाद भीमबेटका भोपाल के समीप और बोगोर जो है सिद्धि के समीप, और राजस्थान में बागोर जो कि भीलवाड़ा के पास में है, तो बागोर भीलवाड़ा के पास में राजस्थान जो कि मध्यपाषाण युग का स्थल है। उत्तर प्रदेश में महादहा यह मदहा मिजा के समीप और सराय नहर राय प्रतापगढ़ के समीप। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय प्रतापगढ़ के समीप और महादहा या मदहा मिजा के समीप, बिहार में पायसरा मुंगेर के समीप, तो बिहार में पायसरा मुंगेर के समीप ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका मध्यपाषाण युग के स्थल है। आपका आगे में मैप भी दिया होगा तो उसको मैप के जरिए भी देखेंगे। तो मध्यपाषाण जिसे मेसोलिथिक युग बोलते हैं और यहाँ पर आकेटक एवं पशुपालक जो है यहाँ के लोग जो है करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ के लोग पशुपालक थे। तो मध्यपाषाण मेसोलिथिक युग आकेटक और पशुपालक, तो प्रस्तन युगीन संस्कृति में 9000 ईसा ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ जिसे ईसा पूर्व होगा। ठीक है, यहाँ पर ईसा पूर्व होगा, तो प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ जिसे मध्यपाषाण युग कहा गया है और यह पुरापाषाण युग तथा मध्यपाषाण युग के बीच का संक्रमण युग था। तो ये आपका जो मध्यपाषाण युग था ये आपका पुरापाषाण और नवपाषाण नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच का था। ठीक है, भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 में विंद क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजने से हुई थी। तो भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 में विंद क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजने से हुई थी। मध्यपाषाण युग के लोग शिकार कर मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के छोटे बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ प्रमुख है। तो मध्यपाषाण युग के लोग शिकार कर मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ प्रमुख हैं। ठीक है, तो मध्यपाषाण युग के लोग शिकार कर मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर
जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार नक्रोलित प्रमुख थे। ठीक है, देखिए आपका मैप में यहाँ पर दिखाएगा कहाँ पर आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो देखिए आपका इधर जो नदी का कुछ दिया जो तो आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास नदी है, ठीक है, सिंधु नदी इधर साइड में है। तो यहाँ पर देखिए गंगा यमुना नदी है। तो यहाँ पर देखिए आपका होखरा है, यहाँ पर सतलज नदी है, यहाँ पर तिलवाड़ा जगह है, तिलवाड़ा, बागोर, बलसाड़, लंगनाज, ठीक है। तो ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो बागोर है, होखरा है, तिलवाड़ा है, बलसाड़ है, लंगनाज है, ये आपका नर्मदा नदी है, ये आपका मोरहना पहाड़ है, भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, बगही खोर है, सोन नदी है, सोन नदी घाटी, चोपनी मांडो, तो आपका चोपनी मांडो मध्य प्रदेश यूपी के पास में, दमदमा यूपी के पास है, महदहा यूपी और सराय नहर है, ये आपका यूपी का इलाका है। ठीक है, तो दमदमा, महदहा, सराय नहर है, चोपनी मांडो, ये आपका यूपी का इलाका है, बगही खोर, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, महानदी उड़ीसा छत्तीसगढ़ साइड में, यहाँ पर ऊंचाई जगह है, कृष्णा नदी, तापी नदी, तो ये आपका तापी नदी है, उसके ऊपर नर्मदा नदी, उसके नीचे आपका कृष्णा नदी और उसके नीचे आपका तुंगभद्रा नदी। तो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है। और यहाँ पर आपका रेणुगुंटा जगह है और जल्लाहाली यहाँ पर जगह आपका है, ठीक है, तो ये आपका टेरी जगह यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ पढ़ते हैं, चोपनी मांडो जो आपका है, चोपनी मांडो को जो क्या कहा जाता है, चोपनी मांडो विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो आपका जो चोपनी मांडो जगह जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के पास में, ये विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। तो विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो बागोर जो जगह है मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य है, तो बागोर जो जगह है मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बगही खोर। तो बगही खोर जो जगह है, यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदबान, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदबान और पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो आपका बगही खोर जगह से, ठीक है। तो बगही खोर जगह आपका मध्य प्रदेश के पास में होगा। तो यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदबान, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टेरी जगह जो है, टेरी से आपका जो कि आपका तमिलनाडु में है, यहाँ पर बालू के टीलों का स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। तो बालू के टीलों का स्थानीय भाषा में यहाँ पर टेरी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का जो है प्रथम पालतू पशु था। तो मध्य पाषाण काल में कुत्ता जो था मानव का प्रथम पालतू पशु था। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर मानव जो है मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन स्थल। अब हम नीचे देखेंगे तो मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अधिक मात्रा में पाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए, ठीक है। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल था। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। और भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। नवे पाषाण न्यूलिथिक युग खाद्य उत्पादक था। तो नव पाषाण न्यूलिथिक युग जो कि आपका खाद्य उत्पादक था, ठीक है। तो आपका न्यूलिथिक युग जो था वो आपका खाद्य उत्पादक था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। और भारत में नव पाषाण काल से संबंध प्रातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। तो यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। और भारत में नव पाषाण काल से संबंध
पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर पैमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 में लॉ मसूरिय ने इस काल के प्रथम प्रस्तावित उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे। तो सर्वप्रथम 1860 में लॉ मसूरिय इस काल के प्रथम प्रस्तावित उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट आपका नव्यपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया गया है, और नव्यपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। तो नव्यपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है, और नव्यपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इलाहाबाद में स्थित कोलडीहवा एकमात्र ऐसा नव्यपाषाणिक पूजा स्थल है जहां से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इलाहाबाद में स्थित कोलडीहवा एकमात्र ऐसा नव्यपाषाणिक पूजा स्थल है जहां से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नव्यपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे, ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो नव्यपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे, ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कृषि व पहिए का आविष्कार नव्यपाषाण काल का ही देन थी। तो कृषि व पहिए का आविष्कार नव्यपाषाण काल की ही देन थी। इस युग के लोग पत्थर के पौड़ीदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे, वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो इस युग के लोग पत्थर के पौड़ीदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे, वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नव्यपाषाणिक स्थल है जहाँ युग्मित सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, मतलब कि कपल सभ्यता। ठीक है, तो बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नव्यपाषाणिक स्थल है जहाँ युग्मित सभ्यता के जो है प्रमाण मिलते हैं। और बुर्ज होम के लोग खुरदुरे धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे, और यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक को के सबों के साथ दफनाए जाते थे। तो बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नव्यपाषाणिक स्थल है जहाँ युग्मित सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम के लोग खुरदुरे धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे, यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के सबों के साथ अपनाए जाते थे। आगे आपका नव्यपाषाण युग स्थल, तो नव्यपाषाण युग स्थल कौन कौन से पड़ते हैं इस पर, तो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम भारत में, उसके बाद कश्मीर में, उसके बाद आपका उत्तरी भारत में, उसके बाद आपका है जो पूर्वी भारत में और प्रायद्वीप भारत में। तो यहाँ पर पांच भागों में आपका बांटा गया है नव्यपाषाण युग के स्थल भारत में। तो उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। तो उत्तर पश्चिमी भारत में आपका जो इलाका है उसका एक इलाका एक बलूचिस्तान है और एक आपका ऊपरी सिंधु प्रणाली है। तो आपका बलूचिस्तान ऊपरी सिंधु प्रणाली है, और बलूचिस्तान में जो जगह है आपका नव्यपाषाण युग का वो आपका मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है और राणा गुंडई है। तो उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान को जगह जो है उसमें आपका मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है और राणा गुंडई जो है नव्यपाषाण युग के स्थल है। ऊपरी सिंधु प्रणाली में, तो ऊपरी सिंधु प्रणाली में आपका जलीलपुर है, सरायकेला है। ठीक है, तो ऊपरी सिंधु प्रणाली में जलीलपुर है, सरायकेला है आपका जगह। ठीक है, नव्यपाषाण युग के कश्मीर में आपका झेलम घाटी है, तो झेलम घाटी में जो आपका दो है, एक बुर्ज होम है एक कुप कराल है। तो कश्मीर आपका झेलम घाटी के पास में बुर्ज होम और कुप कराल है जो कि नव्यपाषाण युग के स्थल है। उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में आपका दो इलाका है, एक उत्तर प्रदेश एक बिहार है। तो उत्तरी भारत में नव्यपाषाण युग के स्थल जो है उत्तर प्रदेश का जो है दो जगह है, एक आपका कोलडीहवा है एक आपका मदहा है। तो आपका उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में नव्यपाषाण युग के दो स्थल, एक कोलडीहवा एक मदहा है, और बिहार में दो स्थल, एक चिरांद एक सिंधवार है। ठीक है, तो बिहार में एक आपका चिरांद और सिंधवार है। और पूर्वी भारत में आपका एक पश्चिम बंगाल है और एक असम है। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और जो है असम है। तो पश्चिम बंगाल का जो जगह है उसका नाम है पांडू राजार डीवी। तो पांडू राजार डीवी नव्यपाषाण युग का स्थल है पश्चिम बंगाल में, और असम में आपका सारुतारु और मरकाडोला है। तो पूर्वी भारत में असम में सारुतारु और मरकाडोला है। प्रायद्वीपीय भारत में आपका जो है कर्नाटक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में साउथ में आपका जो है
कर्नाटक में आपका जो है ब्रह्मगिरी है, हुल्लूर है, कोडाई कनाल है और आपका कुपगाल और मास्की है, ठीक है। पिकली हल भी है, पलवॉय है, संगन कलवा तल कोट्टा है, ठीक है। तो आपका जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाई कनाल, कुपगाल, मास्की, पिकली हल, पलवॉय, संगन कलवा तल कोट्टा है। आंध्र प्रदेश में आपका जो है नागार्जुन कोंडा है और सिंगल पल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल पल्ली और उतनूर है और तमिलनाडु में पयमपल्ली है। तमिलनाडु में जगह जो है पयमपल्ली है, नपासन खाली। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा है और उतनूर है और आपका एक सिंगन पल्ली है। और कर्नाटक में आपका जो है ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडाई कनाल है, कुप्पगाल है, मास्की है, पिकली हल है, पलवाय है, संगन कल्व, एक संगन कल्व, एक सिंगल पल्ली है, ठीक है। जो संगन कल्व कर्नाटक में, सिंगल पल्ली आंध्र प्रदेश में, तलकोट्टा आपका जो है कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखते हैं नपाषाण स्थल गुफर कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। तो नपाषाण स्थल गुफर कराल जिसको बोलते हैं, जो कि आपका श्रीनगर के पास में था, ठीक है, वो जो है गुफर कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। तो कुम्हार का गुफा, कुम्हार का रहने का जगह। इस काल के लोग जो है नपाषाण काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। और कश्मीर में नपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। तो कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। और यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। और यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया है। इसका प्रमाण अतिरम्पक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। तो संभवतः तांबे का जो है तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया और इसका प्रमाण अतिरम्पक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है, ठीक है। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तो ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। और तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता से पहले की है। जो आपका जो ताम्रपाषाण युग जो है वो आपका जो चालकलोथिक एज है वो हड़प्पा की कांस्य युगीन जो ब्रॉन्ज एज है उससे पहले की है। परंतु कालक्रमानुसार भारत में जो है हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। लेकिन भारत में जो आपका है जो हड़प्पा की कांस्य संस्कृति है ब्रॉन्ज एज जो हड़प्पा की है वो पहले आती है, बाद में आपका ताम्रपाषाण युग संस्कृति आती है। यहाँ पर आपका है मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति। तो मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा वृद्ध भांड ताम्रपाषाण वृद्ध भांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। तो मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति जो कि आपका गुजरात और राजस्थान के बीच में पड़ता है, एक विलक्षणता यह है कि मालवा वृद्ध भांड ताम्रपाषाण वृद्ध भांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। तो आपका जो जोरवे संस्कृति था वो ग्रामीण थी, ये जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन उसके अनेक बस्तियां जैसे इस्लामाबाद और इनामगांव में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी लेकिन उसकी अनेक बस्तियां जैसे इस्लामाबाद और इनामगांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चिथित मृदभांडों का प्रयोग किया था जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड जो है मुख्य थे। तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी लेकिन उसकी अनेक बस्तियां जैसे इस्लामाबाद और इनामगांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और इन लोगों ने सर्वप्रथम चिथित मृदभांडों का प्रयोग किया था जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड प्रमुख थे। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे और जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। तो ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे और जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में जो आपका मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है। तो इनाम गांव जहाँ महाराष्ट्र में है वहां पर, तो ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है। तो देखिए आपका यहाँ पर नपाषाण काली स्थान दिखा दिया है कहाँ कहाँ पर आपका है। देखिए आपका बुर्ज जो है यहाँ पर कश्मीर के पास था, श्रीनगर गुफा कराल यहाँ पर था,
बुर्ज में यहाँ पर है, धालीगढ़ यहाँ पर है, सराय खोला पाकिस्तान साइड में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, किले गुल मोहम्मद आपका पाकिस्तान में, कोटा आपका देखिए इधर, कोटा एक पाकिस्तान में, एक आपका मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ में आपका जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपका बुर्जम, कुफर कराल, धालीगई, सराय खोला, इस्लामाबाद, किले गुल मोहम्मद, कोटा, मेहरगढ़, ठीक है, हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर आपका हरियाणा क्षेत्र में, हस्तिनापुर है राजस्थान, कालीबंगा आपका जो है राजस्थान में, जिससे कांच, यहाँ पर कांच की चूड़ियां प्राप्त हुई है कालीबंगा से, बालाथाल आपका राजस्थान में, कोलडीहवा आपका उत्तर प्रदेश, महदहा उत्तर प्रदेश, पटना आपका बिहार, चिरांद आपका जो है बिहार, ठीक है, गुवाहाटी असम में, सारू तारू, मरकाडोला, दावोजाली और हार्डी, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर गुवाहाटी है, सारू तारू है, मरकाडोला है, दावोजाली है, हार्डिंग है, ठीक है। तो ये आपका इलाका है सारू तारू, मरकाडोला, दावोजाली और हार्डिंग, जो कि आपका पूर्वी भारत में पड़ता है, ठीक है, जो कि आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में, दौरूद कुचाई आपका उड़ीसा चाहे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ठीक है। इधर आपका नागपुर महाराष्ट्र में, नेवासा सोती वर्ष के साथ यहाँ प्रभाव हुए, जो कि महाराष्ट्र में नेवासा, उतनूर है आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर कोडाई कनाल है आंध्र प्रदेश में, मास्की है, सांगाना है, सांगाना, संगन कल्लू है, संगन कल्लू आंध्र प्रदेश में, टेक्सल है, पिकली हल है, हल्लूर है, ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, खरीपुर है, हिमबर्ग है, पालो पालादोही है चेन्नई मद्रास में, ठीक है, पयमपली तमिलनाडु में, और टेरी आपका जो है तमिलनाडु में। तो देखिए यहाँ पर टेक्साल है, पिकली हल है, हल्लूर है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, इधर आपका कुड़ाई कनाल है, मास्की है, संगन कल्लू है, पालादोही है, खरीपुर है, और हिमबर्ग है, ये सब आपका आंध्र प्रदेश में, पयमपली आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो नागार्जुनकोंडा से क्या प्राप्त हुआ है, तो दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ है। तो नागार्जुनकोंडा से जो है दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ है। और आपका जो है मदहा जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है नवपाषाण काल में यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं मदहा से उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन में। संगन कल्लू एकमात्र स्थल जहाँ विद्वान नहीं मिले हैं। तो संगन कल्लू आपका आंध्र प्रदेश में जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से एकमात्र स्थल है जहाँ से विद्वान नहीं मिले हैं। पयमपली से कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो पयमपली तमिलनाडु से नवपाषाणकालीन में कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला है। टेरी जो आपका है तमिलनाडु में, तो बालू की टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इलाका था, ठीक है, नवपाषाणकालीन का। अब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं, तो दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से है। तो दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल जो कर्नाटक में आपका जो आएगा वो आपका मासिंग है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर है, कोडाई कनाल है, पिकली हल है, संगन कल्लू है, तीन नरसिंहपुर है, और टक्कल कोट है, ठीक है। तो ये आपका जो इलाका है वो आपका जो है कर्नाटक का, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाई कनाल, पिकली हल, देखिए आपका यहाँ पर है हल्लूर है, पिकली कनाल है, ब्रह्मगिरी है, फिर आपका संगन कल्लू है, ठीक है। तो ये सब देखिए आपका इलाका यहाँ पर है, तो मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाई कनाल, पिकली हल, संगन कल्लू, टी नरसिंहपुर, तलकोटा, तमिलनाडु का पयमपली देखे थे हमने नीचे, तेलंगाना, तो उतनूर आपका तेलंगाना में है, तो उतनूर देखिए आपका ये तेलंगाना में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा और चिंगनपल्ली, तो आंध्र प्रदेश का जो है नागार्जुनकोंडा और जो है सिंगनपल्ली है, ठीक है। तो सिंगनपल्ली यहीं पर आपका कहाँ आसपास होगा, ठीक है। तो जो कि इलाका आपका आंध्र प्रदेश का है। तो दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल तो कर्नाटक का है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाई कनाल, पिकली हल, संगन कल्लू, टी नरसिंहपुर और तक्कलकोट। तमिलनाडु का है पयमपली, तेलंगाना का है उतनूर, और आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा सिंगनपल्ली। पिकली हल वर्तमान कर्नाटक में है, यहाँ से राख के ढेर। तो पिकली हल जो कर्नाटक में है, देखिए आप कहाँ पर पिकली हल है दिखाते हैं आपको। तो देखिए आपका पिकली हल यहाँ पर है कर्नाटक में जो है, ठीक है। तो पिकली हल वर्तमान कर्नाटक में यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साथ से मिले हैं। नवपाषाण युग में लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। तो पिकली हल वर्तमान कर्नाटक में यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साथ मिले हैं। नवपाषाण युग के लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग
अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इस युग में दिखाई देती थी। तो मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती थी। ठीक है, तो मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई पड़ती थी। ठीक है, जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने का साथ जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की भूमिकाएं मिली है। तो जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने का साथ जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की भूमिकाएं मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल इसी ईसा पूर्व छठी सहस्राब्दी में 100 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल इसी ईसा पूर्व छठी सहस्राब्दी 101 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ है। और चावल, गेहूं एवं जौ आदि अनेक महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व छठी सहस्राब्दी 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ और चावल, गेहूं एवं जौ आदि अनेक महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम शास्त्र के अंतर्गत गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्म की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम शास्त्र के अंतर्गत गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। अब हम कुछ यहाँ पर देखेंगे आप इम्पोर्टेंट नवपाषाण कालीन स्थल, तो उसको पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अबूर जो हम जो स्थल है आपका कश्मीर राज्य में है स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से, यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे और यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था और यहाँ से लोग खेती से परिचित थे और यहाँ कब्रों में मनुष्यों के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुप्त कराल कुम्हार की गुफा, तो कश्मीर में तो गुप्त कराल कुम्हार की गुफा कश्मीर में है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त पत्थर एवं अस्थियों से हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। तो यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मस्तियों से हड्डी निर्मित औजार, दूसर मृदभांड, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़, यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं और धान के अतिरिक्त जौ की खेती व पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो महदहा आपका उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं और धान के अतिरिक्त जौ की खेती व पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में, तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो धान की खेती के भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो कोलडीहवा या इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती के भारत में ही नहीं बल्कि
विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक में, तो संगनकल्लू कर्नाटक में, यह मैसूर के निकट बिल्लारी जिले में स्थित है और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए, जो कि जो टीले पशुपाड़ा के स्थल में है। तो यह मैसूर के निकट बिल्लारी जिले में स्थित है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए, जो टीले पशुपाड़ा के स्थल में है। पिकलीहल कर्नाटक में और नवपाषाणकालीन निवासी यहाँ के पशुपालक थे, ठीक है, और ये गाय बैल बकरी एवं भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ठेर एवं निवास स्थल दोनों मिले हैं। तो पिकलीहल नवपाषाणकाल निवासी पशुपालक थे कर्नाटक के, ये गाय बैल बकरी एवं भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ठेर एवं निवास स्थल दोनों मिले हैं। चोपड़ी मांडो जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरणों व हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड कोल्ड इम्प्रेस्ड पोटरी के साथ मिले हैं। तो यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरणों व हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड कोल्ड इम्प्रेस्ड पोटरी के साथ मिले हैं। सारुतारू जो कि असम में है, गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो सारुतारू असम, तो गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड जो है प्राप्त हुए हैं। चिरांत बिहार जो है, चिरांत बिहार से, यह बिहार के सारण जिले में स्थित ताम्रपाषाणकालीन एवं नवपाषाणकालीन स्थल है, और जहाँ से प्रचुर मात्रा में अस्थियों एवं सिंगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बैलों, हाथ, बड़ा सिंगा, कैंडा आदि पशु से परिचित थे। वे बांस बल्ली की चौपड़ियाँ बनाते थे और धान, मसूर, गेहूँ, मूंग, जौ आदि की कृषि करना जानते थे। तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित ताम्रपाषाणकालीन एवं नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में अस्थियों एवं सिंगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बैल, हाथी, बड़ा सिंगा, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे। वे बांस बल्ली की झोपड़ियों बनाते थे और धान, मसूर, गेहूँ, मूंग, जौ आदि से कृषि करना जानते थे। दाऊजली जो कि आसाम में है, यहाँ से कृषि के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो दाऊजली यहाँ से कृषि के व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।